तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक प्रोजेक्ट, वो भी रिएक्टजेस, रिडक्स, फायरबेस और फायरस्टोर की मदद से। तो चलिए फिर बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक प्रोजेक्ट जिसका मैंने नेम दिया स्टूडेंट बेस, और इसमें हम लोग यूज करेंगे रिएक्टजेस, रिडक्स, फायरस्टोर और फायरबेस। ठीक है, तो ये जो इस करड एप्लीकेशन होने वाला है, यहाँ पर पूरा का पूरा करड ऑपरेशन होगा, मतलब कि स्टूडेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ पर सारे स्टूडेंट को रीड करेंगे डेटाबेस से और फिर हम लोग उसको अपडेट कर पाएंगे और उसको डिलीट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये करड एप्लीकेशन होने वाला है। और फिर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे फायरबेस की मदद से, हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे और डेटाबेस के लिए हम लोग फायरस्टोर की यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर लॉगिन पेज देख रहे थे, यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूजर एक क्रिएट करके रखा है, तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पर यूजर ईमेल एड्रेस और मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ 123456। ठीक है, और हम लोग लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन टू डैशबोर्ड, तो हम लोग सिंपली डैशबोर्ड पाएंगे और ये हम लोग को ये दिखेगा, लोडर भी दिखेगा, ताकि ऐसा ना लगे कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है, तो यूजर को एक अच्छा सा एक्सपीरियंस यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि किसी का अगर प्रोफाइल देखना हो तो सिंपली हम लोग किसी भी प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसे व्यू प्रोफाइल पे अगर क्लिक करते हैं तो ये लोडर भी चलेगा और उसका प्रोफाइल हम लोग देख पाएंगे। तो जैसे अगर इसका हम लोगों को अपडेट करना हो अगर इसको इसका प्रोफाइल को, तो सिंपली हम लोग एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे और अपडेट कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर नेम चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे मैं अपना ही नेम दे रहा हूँ सुब्रतो, और मैं सरनेम भी चेंज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं और ये फ्रेंड्स प्रोफाइल जो है अपडेट हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर आपको डिलीट भी करना है, जैसे मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो डिलीट हो गया। ठीक है, जैसे इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। अगर आप यहाँ पर चेक भी करेंगे डेटाबेस में, पूरा देख पाएंगे कि क्या डिलीट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि एक स्टूडेंट है बचा हुआ, तो यहाँ पर ये एक कलेक्शन सिंपली आप डेटाबेस समझ सकते हैं और इसमें एक स्टूडेंट है, सिंपली उसको डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं। तो एक स्टूडेंट बचा, उसका डेटा सारा आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया डिलीट कर सकते हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, तो ऐड करके चलिए एक देखते हैं। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जैसे रोहन, और मैं ईमेल दे रहा हूँ rohan500@gmail.com, फोन नंबर मैं रैंडम कुछ भी दे रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास मैं दे रहा हूँ जैसे 12th में वो पढ़ता है, और एड्रेस मैं दे रहा हूँ रैंडम एड्रेस। ठीक है, और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर रोहन का आ गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा करड एप्लीकेशन हम लोग तो यूज करेंगे, बनाने वाले हैं, और साथ में ये जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग फायरबेस का यूज कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अभी अगर यूजर चाहता है लॉग आउट करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेगा और लॉग आउट पर क्लिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोडर आएगा और सिंपली ये लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब अगर चाहे वो एक्सेस करना तो नहीं एक्सेस कर पाएगा, सिंपली जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर स्लैश जैसे स्टूडेंट पे, सारे स्टूडेंट देखने के लिए, तो उसको फिर से रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा लॉग इन पेज पे, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारा कुछ यूज करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया रिडक्स यूज करेंगे, फायरबेस यूज करेंगे और फायरस्टोर यूज करेंगे, और बहुत ही इजिली मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ज्यादा इजिली, कि आपको लगेगा कि आप सिंपल नॉर्मल HTML CSS JavaScript सीख रहे हैं, कि इतना इजीली आपको समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो का लेंथ काफी बढ़ गया, लेकिन आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे किसको यूज करना है, किसको किस लिए यूज किया जाता है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो मैंने वीडियो 3 पार्ट में बांट दिया, ये इंट्रोडक्शन वीडियो, तो ये सिंपली बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट है, और 2 पार्ट मैंने अपलोड, साथ ही मैं तीनों वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।